अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एडवोकेट सना एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एसएम लॉ एसोसिएट्स। सो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या किसी भी एक जुर्म में मल्टीपल एफआईआर लॉज हो सकती है या नहीं। मतलब किसी ने एक जुर्म किया है और उस पर जो है एक से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो तो क्या ये कानूनन सही है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 13 और जनरल क्लॉजेज एक्ट का आर्टिकल 25 और कानून इस्लाहात की टर्म्स में डबल जपार्डिंग, इसका मतलब ये है कि किसी भी एक शख्स को एक ही जुर्म में मल्टीपल एफआईआर नहीं कर सकते हैं, ना ही सेम ऑफेंस में उस पर जो है बार बार ट्रायल हो सकता है। विच मीन्स डैट कि अगर एक शख्स ने कहीं आउट ऑफ द सिटी उसने जुर्म किया है, लेट्स सपोज के लारकाना में उसने जुर्म किया है, तो उस पर वहां पे भी एफआईआर हुई, वहां पे भी ट्रायल हुआ और कराची में भी हुआ। सो इट्स नॉट लाइक दिस। हम इसमें जो है किसी भी एक जुर्म पे डबल एफआईआर या उससे ज्यादा बार जो उसका ट्रायल नहीं कर सकते हैं एज पर दी कानूनी इस्लाहात। लीगल टर्म है डबल जपार्डी। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि हाँ, ये तो हो सकता है कि लेट सपोज कि अगर किसी ने जुर्म किया, डकैती करते टाइम जो है उसने किसी इंसान को हार्म किया, बाइक भी जो है वो जो है उस टाइम वो लेके चला गया है, सो इसमें हम ये कर सकते हैं कि और फिर उसके पास से गन भी बरामद हुई, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑफेंसेस बनते हैं वो बंदे को हार्म करने के या फिर बाइक ले जाने के या फिर उसके पास से कोई गन मिली है, रिवॉल्वर मिली है, सो इस तरीके से जो है एक एफआईआर में 3 से 4 जुर्म आयद हो सकते हैं, या फिर इसमें एज पर द नेचर ऑफ द ऑफेंस जो है इसमें एक से ज्यादा एफआईआर हो सकती है। बट हम ये नहीं कर सकते हैं कि अगर उसके ऊपर जो है वो चोरी का जुर्म आयद है तो एक एफआईआर, एक से ज्यादा एफआईआर या एक से ज्यादा बार उसका ट्रायल हो। सो शॉर्ट सा कंक्लूजन ये बनता है कि नो पर्सन कैन बी ट्राइड डबल एज इन सेम ऑफेंस और नो पर्सन कैन बी पनिशेबल इन द सेम ऑफेंस अगेन एंड अगेन। सो इसमें एक छोटी सी बात ये समझने की तो और इसका कंक्लूजन ही यही है। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।